गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आर टॉपिक नंबर थर्ड ऑफ चैप्टर थर्ड। आज आप गल करनी है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप रिलेशनशिप पता करना कि टोटल यूटिलिटी मतलब टी यू तो एम यू के रिलेशनशिप आ। रिलेशनशिप मतलब होंगे संबंध। देखो, कुल उपयोगिता टी यू और सीमांत उपयोगिता एम यू का संबंध आपस के यदा संबंध या रिलेशनशिप दिखाने के लिए आपां नूं की आ इहदे की आ एक टेबल बनाउणा पऊगा। ठीक है, उहदे विच आपां नूं पता भी आपां किहदे विच रिलेशनशिप संबंध नूं दर्शा रहे हां, टी यू एंड एम यू। ठीक है, उहदा एक तां की बन जा टी यू वाला टेबल लवांगे। ठीक है, एक कॉलम वह बन जूगा तो एक कॉलम बन जूगा एम यू का। ठीक है, तां ही इन्हां दे विच की आ रिलेशनशिप आपां नूं पता लगेगा। फस्ट ते की लैणा आपां हुण किसी दी की पता कर ले आ, यूटिलिटी मतलब कोई गुड यूज़ करांगे। ठीक है, मान लो आप एक्स गुड यूनिट एक्स गुड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मान लो वो की है एक ब्रेड। ठीक है, देखो हुण आप फर्स्ट ते की लैना, आप यूनिट्स लैनी है जिहड़ा आप की है कोई चीज़ आ कोई गुड आ उहनू यूज़ कर रहे हैं। सो आप यूनिट्स की लवेंगे जो आप फर्स्ट टाइम की है पहला ब्रैड की है कंज्यूम किया मान लो। ठीक है, उहदी फर्स्ट यूनिट पहली इकाई, दूजी, तीसरी, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सत्तवीं, अठवीं। ठीक है, इस तरह आप लाइन वाइज यह लै लेना। इस तों अगे टी यू आ, यह भी अज्यूम करनी है। ठीक है, कोई कुछ भी हो सकती है टी यू, इहदा मतलब की है टी यू का एक सीकुएंस हुंदा कि पहलां तां इह वधदी जांदी आ, फिर इहो जिहा एक लैवल आ जांदा जिहदे ते की आ इह एक दूजे एक बराबर हो जांदी आ। बराबर होण तों बाद की आ टी यू घटण लग जांदी आ। ठीक है, ये क्यों होंगे? देखो, मान लो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मान लो ब्रैड खा रहे हैं। ठीक है, जो आप पहला ब्रैड खाधा तो वो तो आप यूटिलिटी की है वध प्राप्त होगी। ठीक है, इदा ही की आ यह यूटिलिटी वध ही जाऊगी जिन्ना चेर अपनी भुख नहीं मिटदी। एक लैवल आऊगा उत्थे अपनी भुख जी बिल्कुल भी मिट जाऊगी। हुण जे आप तो ज़्यादा खा लिया तो आप वॉमटिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, अपना मन भर जाता है, इसलिए आप की है वो जी टी यू आ यूटिलिटी की है वह कटनी शुरू हो जाऊगी। इस तो अगे की आप टी यू तो की कढ़ सकते हैं एम यू। कल आप एक फॉर्मूला किया टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। सो देखो फस्ट की आ यदी एम यू की आऊगी, आप टी यू तो ही एम यू कढ़नी है। ठीक है, पहली की आ एम यू फस्ट यूनिट जो यूज़ की एम यू ये इक्वल ही रह जूगी। ठीक है, हुण की आ वाले फार्मूला तुहानू आउंदी है। ठीक है, ये की आ यूनिट्स पुट कर लेनी है एन जगह से, आप हुण सैकेंड की कढ़नी है ना, फस्ट ही तो निकल गई। ठीक है, सैकेंड की की आ इत्थे एन की जगह से आप सैकेंड तो सैकेंड पुट करके की आ आ कढ़ांगे। जां फिर इस तों बिना एक होर मैथड आ कि जिहड़ी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप सैकेंड यूनिट कढ़नी है ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਮ ਯੂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟੀਲਿਟੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, 8 ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ 24 'ਚੋਂ 18 ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ, 6 ਆ ਜੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 'ਚੋਂ 24 18 ਆ ਜੂ, 4 ਦੈਨ 2 ਦੈਨ 30 ਮਾਈਨਸ 30 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਟੀ ਯੂ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 28 'ਚੋਂ 30 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 28 ਛੋਟਾ ਅਤੇ 30 ਵੱਡਾ, ਸੋ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ 2 ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ 24 ਛੋਟਾ ਵਾ 28 ਵੱਡਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 4 ਆਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਐਮ ਯੂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਯੂਟੀਲਿਟੀਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟੀ ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟੀਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਮ ਯੂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਮ ਯੂ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਮ ਯੂ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮ ਯੂ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਮ ਯੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਫ ਬਾਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਆ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟੀ ਯੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਮ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀ ਯੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਯੂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੀ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਿਮੇਨਸ
सेम, जदों टीयू विच कोई चेंज नहीं आता वह सेम रहती है, तो नो चेंज मतलब कोई भी चीज़ नहीं आता तो वह की जीरो एम यू हो जाती है। इस तो अगे नैगेटिव की होंगी है, इफ बाय कंज्यूमिंग मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टीयू फॉल्स, मतलब जो कि आप किसी भी वस्तु दियाँ वध तो वध की है यूनिट्स यूज करी जावे तो टीयू दे टीयू है जी नैगेटिव होने लग जाती, मतलब फॉल्स होने लग जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज होने लग जाता, तो एम यू विल बी नैगेटिव। इस तो अगे देखो देखो जो आप पढ़िया जो टीयू दे इनक्रीज आता, ठीक है, इनक्रीज हो जाती है ना टीयू, तो वह पॉजिटिव होंगी है, जो जीरो हो जाती है तो जीरो एम यू बन जाती है, जो नैगेटिव होने लग जाती है, ठीक है, टी यू नैगेटिव होने लग जाती है, नैगेटिव होने लग गई ना घटन लग गई तो आप कह सकते हैं भी ये नैगेटिव एम यू है, क्लीयर। इसो अगे आप डायग्राम बनावे, डायग्राम के सब तो पहला देखा आप इतने की है ओ एक्सिस लैनी है, ठीक है, इतने ओरिजन होंगे, ठीक है, ये आप की है यदि डायग्राम बनाने लगे हैं। सो इधरली साइड पर ओ एक्स एक्सिस, इधरली साइड पर की है ओ वाई एक्सिस होगा, ठीक है। हम देखो जिहड़ा ओ वाई एक्सिस है उहदे ते आप दो चीज़ा लैके चलनी है, मार्जिन यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी, ठीक है, आप इहदे विच की है रिलेशनशिप दिखाउणा, इसलिए की है ए वाली साइड पर एम यू एंड टी यू आऊगा, एंड ओ एक्सिस पर की आऊगा, ठीक है, ये आऊगा यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, जिहड़ियां आप एक्स कोई भी गुड यूज कर रहे हैं उदियाँ की है इकाइया आनगी, ठीक है, क्लीयर। इस अगर आप डायग्राम स्टार्ट करन तो पहले देखते हैं भी जिहड़ियां हम यूनिट सी वह की सीगियां, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सीक्वेंस में आ रही हैं, उन्होंने आप साइड पर लिखा। इस तो अगे ये आ वाली साइड पर की आ टी यू एंड एम यू, आप देखिए भी ये डिफरेंस की है ज़्यादातर 4 4 का डिफरेंस है, सो आप 4 4 का डिफरेंस पा के इधरले पासे की है पॉइंट्स लिख लेने हैं। देखो सब तो पहला आप टी यू करव बनावे, देखो फर्स्ट यूनिट पर कि टी यू सी, फर्स्ट आप लिया 10, फिर 18, सैकेंड तो 18, थर्ड तो 24, ठीक है, इस बार 28, 30, फिर 30, ठीक है, ता करके बराबर आए क्योंकि इतने भी 30 से इधर भी 30, इस तो बाद की है कटना शुरू हो गया, ये कि बन गया 28 एंड 24, ये की बन गई अपनी टी यू करव बन गई। इस तो अगे आप बनावे एम यू करव, जिड़ी कि कितों स्टार्ट होंगी सी, फर्स्ट 1 यूनिट तो 10 सी, फिर 8 होगी, ठीक है, फिर 6 होगी, फिर फोर्थ पर जाके ये होगी 4, ठीक है, 4 तो बाद 2, फिर 0, ठीक है, इतने 0 आना ता करके जी 6 तो सी 0 सी जो 30 30 सी, ठीक है। इस तो अगे की है माइनस च, इस तो अगे की हुंदा जिहड़ा नीचे वाली चले जाती है एक्सिस, ठीक है, इतने माइनस वाई एक्सिस हुंदी है, ठीक है, इहदे उत्ते की होगा इहदे विच माइनस ते चीज़ा चले जाणगियां, हुण आपां नूं माइनस लई चाहीदा, ठीक है, फिर माइनस 2 हो जूगी तो माइनस 4 हो जूगी, इस तरह इन्हां सारे पॉइंट्स नूं मिला के की है अपने कोल एम यू करव बन जूगी, ठीक है। इस तो अगे देखो जिथे कहिंदे टी यू मैक्सीमम सी आपां नूं पता सी पॉइंट जिहड़ा, देखो पॉइंट जो आप 6 6 यूनिट यदि यूज़ की तो उत्थे की सी 30 सी, ठीक है, जिहड़ा टी यू सी उहदा हाईएसट पॉइंट सी 30, इस तो बाद की आ घटनी शुरू हो गई, हुण ए वाला पॉइंट इत्थे आउंदा, ए पॉइंट तो शुरू करके कित्थों तक, देखो 6 यूनिट जो आप यूज़ कीतियां सी उदो 30 सी, सो आपां नूं जिथे 6 आ तो 30 है, ठीक है, ये इक्वल आनी चाहिए है, सो ये आप एक लाइन बना देंगे, ठीक है, जिथे की है एम यू 0 हो जाती है, ठीक है, आपां भी पढ़िया सी 6 यूनिट पर की कहिंदे आ टी यू 30 हुंदी आ ते एम यू की है 0, हुण उदां ही अपनी डायग्राम दे विच बनना चाहिए, देखो टी यू किन्नी आ अपनी 30, ठीक है, हुण एम यू किन्नी सी अपनी 0, इस तो अगे की सी जिहड़ी यूनिट किन्नियां सीगियां 6 आ रहे हैं ना 6 दे सामने, सो ये की है इनू की कहिंदे आ पॉइंट ऑफ मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन का पॉइंट भी कहा जाता। सो आ वाले पॉइंट पर आके आ दो पॉइंट पर की सी अपनी जिहड़ी एम यू सी वो नैगेटिव हो गई। इस तो अगे आप रिलेशनशिप के पॉइंट्स कढ़ांगे, देखो कहिंदे जदों टी यू इनक्रीज हुंदी सी, जदों टी यू आ इनक्रीज हो रही है, ठीक है, इनक्रीज हो रही है ना, पहला 10 सी, 18 होगी, 24 होगी, ठीक है, ये इनक्रीज हो रही है तो उदों की है एम यू पॉजिटिव हुंदी है, ठीक है, एम यू आप देखिया भी पॉजिटिव हुंदी है, पर की आ
ਜਿਹੜੀ MGU ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 8, 4, 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ MU 0 ਆ, MU 0 ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ TU ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, MU 0 ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ TU ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ TU ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, TU ਕੀ ਆ, ਡਿਮਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 28 ਸੀ, 28 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 24। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਦੋਂ MU ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।